गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल साइको प्रोफेसर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CLAIM क्लेम के बारे में, जो आप कर सकते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको, आपके पास रात्रि 8 बजे तक का समय है, तो अगर आपको क्लेम करना है अपने आंसर्स को, तो आप इस वीडियो के माध्यम से उसको आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आपको क्लेम करना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले देखते हैं उन सवालों को जिनको आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने ऑप्शंस ए मार्क किया है, आंसर की में बी दिया हुआ है, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये ए होना चाहिए, तो आप जाके उसको मार्क कर सकते हैं। फीस आपको देनी होगी इसकी ₹200, ठीक है, और आप इसको बड़े ही आसानी से क्लेम कर सकते हैं कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर 44, क्वेश्चन आईडी ध्यान दीजिएगा 904066, 904066 की बात करेंगे यहाँ पे। क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज नॉट लोकेटेड इन द टेम्पोरल लोब, ठीक है। आपका जो टेम्पोरल लोब है, आपकी जो शंख पाली है, उसमें कौन स्थित नहीं है, अवस्थित नहीं है इनमें से, ठीक है। ओके, ऑप्शन क्या है आपके पास, एरिया फॉर परसेप्शन ऑफ बॉडी सेंसेशन सच एज हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर एंड पेन, इसके लिए एरिया फॉर परसेप्शन ऑफ मूवमेंट्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ फेसेस, ब्रोकास स्पीच एरिया, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शंखपाली टेम्परल लोब में अवस्थित नहीं है, ऊष्मा, शीत, स्पर्श, दाब एवं पीड़ा जैसे शारीरिक संवेदन के प्रत्यक्षण का क्षेत्र, संचलन का प्रत्यक्षण और मल की पहचान का, मल की पहचान का क्षेत्र, अरे रे 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 रे। ये मल नहीं, ये चेहरे होंगे, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ फेसेस मल, ठीक है, हिंदी में क्या कर दिया यहाँ पे देखिए। और यहाँ है ब्रोका का वाक क्षेत्र और प्राथमिक श्रवण क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, एज पर द आंसर की, आपकी एनटीए की आंसर की के मुताबिक राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, बिल्कुल सही है यहाँ पे आपका, ठीक है। ये आपके जो सेंसेशंस हैं, ये आपके टेम्पोरल लोब का कहीं भी हिस्सा नहीं है, ठीक है। आपको बताया था लेक्चर के अंदर कैसे स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है एफ पॉट के रूप में, ठीक है। फ्रंटल आता है, देन पैराइटल आता है, देन ऑक्सिपिटल आता है, और फिर आपका यहाँ पे टेम्पोरल आता है, ठीक है। तो टेम्परल लोब में नहीं होता, यहाँ पे मिलेगा आपको ये। तो एरिया फॉर परसेप्शन ऑफ बॉडी सेंसेशन सच एज हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर एंड पेन, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर एक और करेक्ट आंसर है, वो क्या है, वो है आपका, अगर आपने मार्क किया होगा सी, ब्रोका स्पीच एरिया, ठीक है। ब्रोका का जो स्पीच एरिया है, ये कहाँ मिलता है आपको, ये मिलेगा आपको टेम्परल लोब में, आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। टेम्परल में नहीं मिलेगा, कहाँ मिलता है आपको ये, फ्रंटल में आपको मिलेगा, अग्रपाली जो है आपकी, वहां पे आपको ये मिलता है, ठीक है। तो इसके दो करेक्ट आंसर होंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दो करेक्ट आंसर होंगे, इसका ध्यान दीजिएगा। अगर आपने 1 मार्क किया है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप शांति से बैठिए। और अगर आपने 3 मार्क किया है और आपको लगता है कि नहीं, इसमें हम 2 नंबर ला सकते हैं, हमको क्लेम करना हमारा जायज है, तो इसको आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ब्रोका स्पीच एरिया है, इसको वो कंसिडर करेंगे आप प्रॉपर प्रूफ के साथ जाएंगे तो, ठीक है। और अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 या 4 मार्क किया है, संचलन का प्रत्यक्षण और मल की पहचान का क्षेत्र, रिकॉग्निशन ऑफ फेसेस, इसको मार्क किया है, प्राइमरी ऑडिटरी किया है, तो आपका बिल्कुल गलत है, कोई भी चांसेस नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है कि आपका जो है आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो 2 और 4 वाले तो बिल्कुल छोड़ दीजिए उम्मीद है। अगर आपने 3 मार्क किया है, 1 मार्क किया है, तो ऑलरेडी आप +2 में है, और अगर आपने 3 मार्क किया है, तो जाके क्या करेंगे इसको, आप इसको आप तुरंत क्लेम करेंगे, ठीक है, अपने आंसर को, कि हमको जो है ब्रोका स्पीच एरिया भी आपका टेम्परल लोब में अवस्थित नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, कहाँ मिलेगा आपको ये आपको मिलेगा आपकी जो बुक है जनरल साइकोलॉजी की, वो है आपकी सिशारेली, ठीक है, सिशारेली में आपको मिल जाएगा ये, तो वहां पे आप क्लेम कर सकते हैं, ब्रोका स्पीच एरिया इज नॉट कंसर्न विथ योर टेम्परल लोब, ठीक है। तो यहां से अगर उन्होंने करेक्ट कर दिया आपका फाइनल आंसर की के अंदर, तो आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे, आपका भी +2 हो जाएगा, एंड इसको तो सही दिया ही हुआ है, इसके 2 करेक्ट आंसर है ए एंड सी। इसी प्रकार से और कई सारी मिस्टेक हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके इस पेपर के अंदर 4 से 5 सवाल हैं जो बहुत ही किस प्रकार के हैं, आपके सब्जेक्टिव सवाल हो चुके हैं वो, ठीक है, वो बताएंगे आपको, सब्जेक्टिव सवाल हो चुके हैं, तो इस वजह से, लेकिन जो इजीली आप क्लेम कर सकें और जिसमें आपको नंबर मिल सके, उन प्रश्नों की बात यहाँ पे हम करने वाले हैं, ठीक है। तो एक ये प्रश्न था, अब बात करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 29, आपका आईडी नंबर 904062, 904062 की बात करेंगे यहाँ पे आपके, ठीक है, आपके यूनिट सेकंड से है, यहाँ पे देखिए थर्ड से है, ठीक है। द फॉर्मूला यूज्ड टू एस्टिमेट हाउ मेनी होमोजेनस टेस्ट क्वेश्चन शुड बी एडेड टू अ टेस्ट टू रेज इट्स रिलायबिलिटी टू द डिस्क्राइब लेवल इज, ठीक है।
यहाँ पे क्लेम करना होगा आपको काफी स्मार्टली, वो बताएंगे अभी आपको आगे कैसे, ठीक है। यहाँ पे जो है हम फंसाएंगे उनको उनके ही जाल में, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को वर्णित स्तर तक बढ़ाने के लिए उसमें कितने समांग परीक्षणों को जोड़ा जाए इस तथ्य का प्राकलन सूत्र है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कोएफिशिएंट अल्फा, स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, या फिर आपका KR20। आपकी जो फाइनल आंसर की है उसके अंदर क्या आंसर दिया हुआ है, फाइनल आंसर की के अंदर आपका आंसर दिया हुआ है आपका KR20। उसी का बड़ा भाई कौन, आपका KR21, ठीक है। एंड देन कौन आता है आपका, आपका आता है क्रोनबाक अल्फा, ठीक है। क्रोनबाक अल्फा, कोएफिशिएंट अल्फा, यहाँ पे एक ही चीज की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणांक अल्फा और KR20 यहाँ पे दो इसके करेक्ट आंसर होंगे कि यहाँ पे उन्होंने इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। द फॉर्मूला यूज टू एस्टिमेट हाउ मेनी होमोजिनियस टेस्ट क्वेश्चन शुड बी एडेड, मतलब हमको ऐसे कितने टेस्ट क्वेश्चन, सिंपली मीन्स यहाँ पे हमको कितने ऐसे आइटम्स एड करने होंगे टू अ टेस्ट टू रेज इट्स रिलायबिलिटी टू द डिस्क्राइब्ड लेवल इज, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ है आपका, KR20 दिया हुआ है, लेकिन इसी के साथ साथ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 भी यहाँ पे होगा, कोएफिशिएंट अल्फा भी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं कि इसकी जो है आपके दो करेक्ट आंसर आपने दिए हुए हैं, क्लेम कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। कैसे, तो उसके लिए देखते हैं हम जरा एक चल के PYQ। इसको आप हार्डली आपको किसी बुक में ऐसा मिलेगा कि ये दोनों एक चीज है, आपको मे बी एक सिंग में आपको ये मिल सकता है, ठीक है, तो वहां से आप उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं हम PYQ में क्या बात बोल रहे हैं, ठीक है। आपको ये वाला जो क्लेम है भले ही स्मार्टली तरीके से करना होगा आपको, यहाँ पे देखिए आपका 2019 दिसंबर में एक सवाल पूछा गया था, कंसिडर द थ्री रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, KR रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट एंड क्रोनबाक अल्फा, यही आपका कोएफिशिएंट अल्फा भी है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है यहाँ पे आपको मालूम है KR फॉर्मूला वाला जो था कूडर रिचर्डसन कोएफिशिएंट और आपका जो क्रोनबाक अल्फा है, ये दोनों कंप्यूट होगा, ये क्या होता है, ये यहाँ पे आपका सिमिलर होता है, ठीक है। इसीलिए क्या आंसर था यहाँ पे आपका, आंसर आपने दिया था, यानी कि आप ऐसे बोलेंगे NTA has given the answer for this is as B and C would be the same but A can be different, ठीक है। KR रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट एंड क्रोनबाक अल्फा, ये जो है यहाँ पे कंप्यूट करने के बाद क्या आएगा आपका, सेम रिजल्ट देगा, ठीक है, बट A कैन बी डिफरेंट, ठीक है। तो आपको जो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है वो तो डिफरेंट रहेगी, ऑलराइट। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जैकपॉट क्वेश्चन आपके लिए काम कर सकता है मे बी इस टाइम, ठीक है। अगर आपने वो पैराग्राफ पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा है, जिनको पैराग्राफ बनेगा उनसे ही ये बनेगा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ द प्रोजेक्ट इन चार्ज डेवलप्ड अ 75 आइटम वर्जन बाय एडिंग सिमिलर आइटम्स, हाउ मेनी होमोजेनियस टेस्ट क्वेश्चन शुड बी एडेड टू अ टेस्ट, 75 आइटम वर्जन बाय एडिंग सिमिलर आइटम्स, ठीक है। तो जो वर्जन था हमारे पास उसी में सिमिलर आइटम्स हम ऐड करेंगे, व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड क्रोनबाक अल्फा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपके क्रोनबाक अल्फा यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया था उन्होंने आपको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, मतलब हेंस क्या बोल रहे हैं, ऊपर जो टेस्ट था वो कैसा है, ऊपर जो दिया हुआ है वो आपका होमोजेनियस है, ठीक है, होमोजेनियस है, देन इट मींस यहाँ पे आपका द फॉर्मूला यूज टू एस्टिमेट हाउ मेनी होमोजेनियस टेस्ट क्वेश्चन शुड बी एडेड, तो यहाँ पे हम कोएफिशिएंट अल्फा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज वेल एज KR20 का भी। आपका जो सी अल्फा है, क्रोनबाक अल्फा है, इसको हम होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस होगा तो भी इस्तेमाल करेंगे, एज वेल एज अगर हमारा होमोजेनियस होता है तो भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप 19 का पूरा पैरा पढ़ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्यों बोला हुआ है ऐसा, एक इन्होंने PYQs में इस प्रकार से पूछा हुआ है, वहां पे इन्होंने क्या कैलकुलेट कराया आपसे, वहां पे इन्होंने आपसे बोला कैलकुलेट करिए आप कि अगर हम सिमिलर टेस्ट आइटम्स को ऐड करेंगे टू रेज इट्स रिलायबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पे उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे कोएफिशिएंट अल्फा का भी, ठीक है। ट्राई करना चाहिए इसके लिए, कोएफिशिएंट अल्फा एंड KR20 इनको बताइए कि दोनों क्या है, यहाँ पे सिमिलर चीज हो जाती है जब हमको क्या करना होगा टेस्ट क्वेश्चंस, अदरवाइज अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हम इसको मार्क करते, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी हो जाता है ये वाला सवाल, ऑप्शन 1 और 4 इसके सही ऑप्शंस, मतलब सही आंसर्स होंगे, ऑलराइट, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसको, इसको भी आप क्लेम कर सकते हैं, आप वहां से उठा सकते हैं चीजों को, इन्हीं के PYQs से, NTA ने एग्जाम कंडक्ट कराया था उसी के PYQs से, आपका लक है। देखिए ऑलरेडी आप -2 के लॉस में है, ठीक है, तो आपको पास कोई सुटेबल ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करिए +2 इसको आप क्लेम कर सकते हैं, अगर आपको मिल गया तो आपके +2 बढ़ जाएंगे, आप कट ऑफ में थोड़ा सा और ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, तो टोटली उनके ऊपर है माने ना माने, लेकिन अगर आप इसको बताएंगे कि आपने ऑलरेडी पहले ऐसा पूछा हुआ है, पहले आपने इस प्रकार से आंसर दिया हुआ है, तो मे भी शायद वो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता दिए दो सवाल आपको करने हैं क्लेम, फर्स्ट आपको बताया वो ब्रोकास एरिया वाला, ठीक है, एंड देन आप ये वाला कर सकते हैं, सेकेंड आपके कोएफिशिएंट अल्फा एंड KR20 वाला, अदरवाइज आपके पास और कोई प्रूफ है जब आप इन दोनों को सिमिलर कर सके तो प्लीज आप नीचे यहाँ पे
कमेंट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका क्या हो सकता है एविडेंस यहाँ पे। ठीक है, टाइम है आपके पास अभी रात के 8 बजे तक, तो जल्दी से जल्दी इसको क्लेम कर दीजिए। मे बी शायद ये विंडो आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है, तो तुरंत से तुरंत इसको क्लेम कर दीजिए। एंड पी वाई क्यू एनालिसिस की अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई है तो उसको भी जाके देख लीजिए। आगे हम इसी प्रकार से और पेपर को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। यू लाइक द वीडियो शेयर विथ योर क्लेम फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑलराइट, ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड।